गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में संकरण या हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना है। संकरण देखिए, संकरण का मतलब क्या होता है, जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल आपस में मिलकर मिश्रित होकर अपनी ही ऊर्जा का पुनः वितरण कर, मतलब जितने ऑर्बिटल हैं उतने ही, जैसे कि दो ऑर्बिटल हैं तो उतने ही दो नए ऑर्बिटल उतनी ही एनर्जी और उतने ही क्या रहेंगे, मतलब पुनः वितरण करते हैं मिश्रित होकर के। मतलब सीधा सिंपल है कि जब किसी में जैसे दस ऑर्बिटल आपस में मिलकर मिश्रित होकर के और उतनी संख्या में क्या बनाएंगे, नए ऑर्बिटल बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। तो जब किसी परमाणु में लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल आपस में मिल गए, मान लो पांच कक्षक वाले ऑर्बिटल, अब पांच ऑर्बिटल ही और पांच मिलकर बराबर 10 हो गया, अब उतने ही नए 10 ऑर्बिटल बनाएंगे और जिनमें एनर्जी जो रहेगी, जिनकी ऊर्जा जो होगी तो उतनी ही संख्या में रहेगी जितनी जो पहले ऑर्बिटल थे उतनी थी। ठीक, तो अपनी ऊर्जा को पुनः वितरण, मतलब जो ऊर्जा है उसके पुनः से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे और उतनी ऊर्जा के नए ऑर्बिटल बनाते हैं, उसे संकरण कहते हैं। देखिए, तो ये समझ में आ गया डेफिनेशन, आप ऐसे लिखेंगे जब किसी भी परमाणु में लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल, मतलब जो कोई कोई समान ऊर्जा वाले परमाणु हो, उसमें जो ऑर्बिटल हों वो क्या हों, समान ऊर्जा वाले हों, आपस में मिलकर या मिश्रित होकर अपनी ऊर्जा का पुनः वितरण कर उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संकरण। संकरण का नियम, संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। मतलब समान ऊर्जा वाले कैसे, संकरण में जितने ऑर्बिटल हैं तो उनकी एनर्जी पावर जो होगा, जैसे मान लो 96 कैलोरी है तो सबकी 96 कैलोरी ही होनी चाहिए, ठीक है, होने चाहिए, अर्थात इनकी जो मतलब ऊर्जा होनी चाहिए ये क्या, समान होनी चाहिए। और ऊर्जा का मतलब क्या होता है, उनकी क्वांटम संख्या समान होनी चाहिए। ओके, जैसे क्वांटम संख्या चार टाइप का होता है तो फोर टाइप में अगर मान लो सपोज दैट इसमें आ गया द्विआंश की क्वांटम संख्या, तो वो सभी क्या होने चाहिए, द्विआंश की क्वांटम संख्या के, या मुख्य क्वांटम संख्या होती है प्रिंसिपल जो होती है तो वो उसके होने चाहिए। तो इससे ये नहीं समझ सकते आप समान ऊर्जा का मतलब क्या होता है, कि इनकी क्वांटम संख्याएं समान होनी चाहिए। संकरण में भाग लेने वाले जो आ रहे होते हैं तो उनकी क्या होनी चाहिए, क्वांटम नंबर समान होना चाहिए, आकार और ऊर्जा भी समान होना चाहिए। ये तो समझ में आ रहा होगा कि इनका शेप भी समान होगा, एनर्जी भी समान होगी। ओके, फिर जितने भाग लेते हैं उतने ही नए बनते हैं। अभी मैंने पहले बताया कि अगर 10 ऑर्बिटल भाग ले रहे कक्षक ऑर्बिटल्स तो उतने ही 10 नए बनेंगे, और जितना भी अगर 96 कैलोरी एनर्जी 10 वाले में, तो जो नए बनेंगे उसमें भी 96 कैलोरी ऊर्जा होगी। मूल ऑर्बिटल के गुण इसी के अनुपात में होते हैं, जो मूल ऑर्बिटल जिससे कोई चीज बनी है तो जो बन रहा है तो उसमें भी वही गुण पाए जाएंगे जो ऑर्बिटल नया बना, मतलब मूल मीन्स क्या होता है, मेन से जो दूसरा बना, तो जो दूसरे ऑर्बिटल बने वो उनमें भी वही गुण पाया जाएगा जो मेन में पाए। संकरण में ऑर्बिटल भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन, दो चीजें आपको याद रखना होगा कि संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए, अर्थात इनकी ऊर्जा का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब होता है क्वांटम नंबर समान होना चाहिए। दूसरा, संकरण में ऑर्बिटल भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको याद रखना होगा कि संकरण की क्रिया में ऑर्बिटल भाग लेते हैं ना कि कक्षक होते हैं ना, तो कक्षक भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन, दो चीजें आपको याद रखना होगा, एक इलेक्ट्रॉन वाली और एक संकरण वाली। अब देखिए, टाइप ऑफ हाइब्रिडन या टाइप ऑफ संकरण, संकरण के जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है 6 टाइप का होता है, पहला sp संकरण, दूसरा sp2 संकरण, तीसरा sp3 संकरण, चौथा sp2d संकरण, देखिए है sp3d और फिर है sp3d स्क्वायर संकरण और फिर है sp3d3 स्क्वायर संकरण। तो पहला कौन सा है, sp3, पहला कौन सा संकरण हो गया आपका, sp3 संकरण। तो देखिए, मैंने जैसे लिख चार्ट में बनाया sp3 संकरण, मतलब इसमें एक s प्लस एक p इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब एक गोलाकार है और एक p शेप वाला है ना, मिलकर क्या बना लेगा sp, इसमें कितने, ये कैसा होगा, लाइनर होता है, कैसी संरचना बनेगी इसकी, रेखीय संरचना बनेगी। और कितने डिग्री का एंगल पाया जाएगा इसमें, 180 डिग्री का एंगल पाया जाता है। इसका उदाहरण क्या लिख सकते हैं अपन, बेरियम डाइक्लोराइड। दूसरा होता है sp2 संकरण, मीन्स इसमें एक s और दो p, एक s रहेगा और दो p मिलकर के बनते हैं, ठीक। ओके, इसका उदाहरण है बोरान टेट्राक्लोराइड। इसका उदाहरण देखिए, मैंने पूरा चार्ट के अकॉर्डिंग बता दिया, जिससे क्या पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गया है कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो 6 टाइप हो गया। फर्स्ट है sp, जिसमें 180 डिग्री का एंगल पाया जाता है और इसमें लाइनर या रेखीय संरचना होती है, उदाहरण इसका बेरियम डाइक्लोराइड। दूसरा sp2, आपके सामने दिख रहा है कि इसमें एक s कक्षक है और दो p कक्षक है, कितने डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल पाया जाता है और त्रिकोणी आकृति होती है, और ये किसमें पाया जाता है, इसका उदाहरण क्या है, बोरान टेट्राक्लोराइड।
तीसरा हो गया एस पी थ्री, मीन्स इसमें एक एस और तीन पी, तो तीन पी का मतलब क्या हुआ, पी में हमें ऐसा क्या एक्सेस पाया है, एक्सेस क्या होते हैं एक्स बाय एंड जेड, और पी में भी पाया जाए तो इसमें तीनों इंक्लूड हो गए एक्स बाय जेड। इसमें कितने डिग्री का एंगल पाया जाते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट का। तो आपको याद रखना होगा कि एस पी थ्री में कितने डिग्री का कोण होता है एंगल, 109 डिग्री और 28 मिनट का। ये कैसा होता है, चतुष्फल की संरचना होती है, और ये इसका उदाहरण है मेथेन भी लिख सकते हैं आप और अमोनिया भी लिख सकते हैं, मतलब तीनों चीज इसमें आ सकती है, तो मेथेन भी इसका अच्छा उदाहरण है। फिर इसके बाद देखिए एस पी टू डी, ओके, तो ये आपको सिंपल सा बहुत ही सिंपल है संकरण। इसमें देखिए इसमें एक एस कक्षक है, दो पी कक्षक है और एक डी कक्षक है, ओके। इसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये वर्ग समतली होता है। इसका उदाहरण है सल्फर टेट्रा फ्लोराइड। फिर इसके बाद देखिए एस पी थ्री डी, मीन्स इसमें एक एस कक्षक और तीनों पी कक्षक, देन इसमें एक डी कक्षक, ओके। डी में कितने होते हैं 5, पी में कितने होते हैं 3 और एस में होते हैं 1, ओके। तो ये पूरा इंक्लूड होगा, तो इसमें जैसे आप देखेंगे इसमें 5 कक्षक है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये वाला इसमें क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ओके। तो एस पी थ्री डी में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 एंड 120 डिग्री का मोस्ट, ओके। तो आपको पेपर में पूछ सकता है, तो आप क्या लिखेंगे, अगर एस पी थ्री डी पूछ रहा है तो इसमें 90 डिग्री और 120 डिग्री का त्रिकोणी द्वि पिरामिड संरचना होती है। ये आप इतना याद रखोगे तो पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए एस पी थ्री डी स्क्वायर, एस पी थ्री में एक एस है, 3 पी है और 2 डी इंक्लूड हो रहा है। अष्टफलकी होती है, अट्टागोनल या अष्टफलकी संरचना पाई जाती है। देखिए एस पी थ्री में, एस पी थ्री डी में क्या स्ट्रक्चर है, कितना 90 डिग्री बनेगा और अष्टफलकी संरचना होती है, और इसका उदाहरण है सल्फर ट्राई फ्लोराइड। देन इसके बाद आ जाता है एस पी थ्री डी, एस पी थ्री डी थ्री, ओके। तो इसमें इसका उदाहरण क्या है कि इसमें एक एस है, देन 3 पी है, देन 3 डी है, ओके। तो ये हो गया। अब इसका उदाहरण क्या है, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री का एंगल पाया जाता है, इसमें पंचभुजी द्वि पिरामिड संरचना होती है। कैसी होती है, पंचभुजी द्वि पिरामिड संरचना होती है, आयोडीन हेक्टाफ्लोराइड इसका उदाहरण है, ठीक है, ऑक्टाफ्लोराइड इसका उदाहरण है। तो ये हो गया। तो आपको ये सबसे पहले आपको समझ में आ गया हो कि संकरण क्या है। तो संकरण बहुत सिंपल है कि जब किसी परमाणु में लगभग समान ऊर्जा वाले भिन्न ऑर्बिटल आपस में मिश्रित हो जाते हैं और अपनी ऊर्जा को पुनः, मतलब कोई चीज जैसे दो चौक के टुकड़े ले लेते हैं, ओके, बराबर समान मात्रा में दो चौक है, उदाहरण के लिए ये चौक है प्लस ये चौक है, अब इसको क्या आपस में अपन ने मिला दिया तो एक हो गई, तो जितना इसका था जितना इसकी एनर्जी जो भी था तो ये मिल करके एक हो गया, तो जितना मान लो 10 और 10 मिलके कितना हो गया, 20 हो गया। तो वही गुण वही सब लक्षण उसमें भी आ जा रहा। तो सीधा सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें वही लक्षण या गुण पाए जाते हैं और वही ऊर्जा पाई जाती है जो पुराने में रहती है। इतना समझ में आया। फिर इनके आप प्रकार लिखेंगे, तो ये मैंने पूरा एक ही इतने में कर दिया जिससे आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। जैसे एसपी है तो आप इसका उदाहरण लिख देंगे, बेरियम क्लोराइड लिख देंगे, संरचना रेखीय होती है, 180 डिग्री का होता है। देन एसपी टू है, 120 डिग्री का होता है, त्रिकोणीय संरचना होती है, बोरान ट्राइक्लोराइड हो गया। एसपी थ्री है तो 90 109 डिग्री और 28 मिनट का, चतुष्फलकी, और इसका उदाहरण मीथेन लिख सकते हैं। एसपी टू डी जो 90 डिग्री वर्ग समतली, एसपी फोर यानी सल्फर टेट्राक्लोराइड है, और एसपी थ्री डी में क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका उदाहरण लिख सकते हैं ना, त्रिकोणीय है क्योंकि त्रिकोणीय द्वि पिरामिड संरचना है, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एसपी थ्री डी का उदाहरण है। एसपी थ्री डी टू का उदाहरण है सल्फर ट्राइफ्लोराइड है ना। फिर है एसपी थ्री डी थ्री का उदाहरण आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ओके। तो ये क्या, इसकी आपको संरचना याद है, पंचभुजी द्वि पिरामिड संरचना होती है, ओके। थैंक यू।